छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस जल्द ही पहली लिस्ट जारी कर सकती है। पिछले 3 दिन से कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें हो रही है, जिसमें प्रत्याशियों के नाम पर विचार किया जा रहा है। आज आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि आखिर कांग्रेस कब पहली लिस्ट जारी करेगी। जय जोहार, मैं हूं निधि भारद्वाज। छत्तीसगढ़ तक में आप सभी का स्वागत है। अगले 3 दिन छत्तीसगढ़ में सियासी पारा काफी ज्यादा हाई रहेगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस 6 से 8 सितंबर के बीच लिस्ट जारी कर सकती है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस 6 सितंबर को पहली लिस्ट का ऐलान कर सकती है, क्योंकि 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा की पहली सालगिरह है और 8 तारीख को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का छत्तीसगढ़ दौरा प्रस्तावित है। हालांकि माना यह भी जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे वाले दिन ही कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने क्या कुछ कहा, खुद सुन लीजिए। हम सबकी जी कैसा है कि पहली सूची कब तक आएगी, चाहते हैं तो उस पे कुछ प्रकाश डालेंगे। जल्दी आएगी। खड़गे जी का दौरा, मैम खड़गे जी का दौरा भी है जी। खड़गे जी का दौरा है 8 तारीख को राजनांदगांव में, और उसकी पूरी पूरी तैयारी है। लोगों में उत्साह है। आपने देखा जिस प्रकार से कल राहुल जी की रैली रही, उससे पहले खड़गे जी की चांपा जहांगीर में जो रही, उनका जो बोलने का तरीका, लोगों से बातचीत का तरीका एक अपने आप में लोगों को बहुत आकर्षित करता है, क्योंकि ज़मीन से उठे हुए हमारे वो नेता हैं। और जिस प्रकार से, जिस अनुभव से वो बोलते हैं, उनके सामने मोदी जी कुछ जवाब दे नहीं पाते, लेकिन आने वाले समय में हम सभी लोग मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे। सभी लोग मिलकर, कार्यकर्ता लोग मिलकर ये चुनाव जीतेंगे। हमारे नेता राहुल जी फिर आएंगे, प्रियंका जी आएंगे, खड़गे जी आएंगे, और भी अन्य हमारे बड़े नेता लोग समय समय पर आकर हमारा मार्गदर्शन करते रहे। सूत्रों की माने तो कांग्रेस ने पहली लिस्ट के लिए करीब 15 नाम फाइनल कर लिए हैं, जिनमें भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव और ताम्रध्वज साहू जैसे बड़े नाम शामिल हैं। बात करें नामों की तो पहले लिस्ट में पाटन से भूपेश बघेल, अंबिकापुर से टीएस सिंहदेव, दुर्ग ग्रामीण से ताम्रध्वज साहू, साजा से रविन्द्र चौबे, कवर्धा से मोहम्मद अकबर, सीतापुर से अमरजीत भगत, अभनपुर से धनेन्द्र साहू, डोंडी लोहारा से अनिला भेड़िया, आरंग से शिव डहेरिया, कोंटा से कवासी लकमा, रायपुर पश्चिम से विकास उपाध्याय, कोंडागांव से मोहन मरकाम, राजिम से अमितेश शुक्ल, खरसिया से उमेश पटेल और सख्ती से चरणदास महंत जैसे बड़े नाम शामिल हैं। अब जानते हैं कि बड़े नाम आखिर पहले क्यों। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पहले लिस्ट में कांग्रेस करीब 25 नाम शामिल कर सकती है, जिसमें सबसे पहले तो बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। इसके बाद उन सीटों पर नाम ऐलान होंगे जहां से केवल एक दावेदार ने आवेदन दिया है। सूत्रों के मुताबिक रायपुर में 2 दिन तक चली मैराथन बैठक के बाद इन नामों पर सहमति बन गई है। हालांकि जल्द ही इस बारे में फाइनल फैसला लिया जाएगा। माना जा रहा है कि कांग्रेस किसी भी तरह के बगावत से बचने के लिए ऐसा कर रही है, ताकि द्वंद्व वाली सीटों में बागियों को बगावत करने के लिए वक्त ही ना मिल सके। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, कॉमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें छत्तीसगढ़ तक। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय जोहार।